गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गया है नेक्स्ट डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये बना रही चाय, अंडा मैंने बनाई, थोड़ा खिचफिच मैंने फेरनाई है। आज है जी बड़े काम में जी, तो जल्दी से करते हैं नाश्ता और फिर मैं बताती हूँ क्या काम है। मैंने सोचा जी कुछ है नहीं तो चले जो होते साथ साथ रेडी। सबसे पहले जो है मैंने स्किन प्रेप कर दी थी, उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये फाउंडेशन। तो उस तरह से मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने लोकेशन चेंज की और ये फटाफट से मैंने फाउंडेशन लगा दिया। इससे पहले कि मुझे कॉमेंट्स आए इसीलिए मैंने सोचा खुद ही बता दूँ। फेस पाउडर जो है मैं लगा रही हूँ वो गोल्डन रोज़ का, एंड फाउंडेशन जो मैंने लगाया था वो टी वी पॉलर का लगाया था और मेरी स्किन टोन का। रुको जरा, सब्र करो। अब बोलो सब्र ही करो, लोग हो गए ये आमना वाले, आमना और रचना। भाभी मत खोलो, इन्हें लोग ही रहने दो। वाह आमना बाबू वाह, ड्रेस आपको किसने दिया था? चलिए जब फटाफट से लगा लेते हैं हाइलाइटर, ब्लश एल्फ का, थोड़ा शोर इग्नोर का, डियो है ब्लश एंड हाइलाइटर बहुत, इसीलिए मैं छोटी चीज़ें जो है ट्रेवल में लेके जाती हूँ। देसी फैमिलीज भी लाइक, होप यू गाइस कैन रिलेट। ब्लश जो है हमेशा मैं लाइट शेड पे जाती हूँ, पीछे पीछे वाला। वो क्या होता है कि वो आपका जो है फेस नेचुरल दिखाता है और वो ब्लश बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब कि इसे लगता है कि जैसे आपने कुछ लगाए नहीं, वो जो है ना आपके चिक्स नेचुरली जो है वो पिंक पिंक से पीछे पीछे हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं। ये हाइलाइटर तो जी मैं हो गई टोटली रेडी। अब जो है मस्कारा लगा रही थी, मस्कारा मैं थोड़ा सा आराम से लगाती हूँ टाइम लेकर, और उसके बाद जो है मैंने जस्ट लिप्स पे टिंट लगा दी। मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। अब बारी है जी नमाज की, तो मैंने सोचा नमाज पढ़ के जाती हूँ। वज़ू मैंने पहले कर लिया था क्योंकि वहाँ जाऊँगी फिर लेट हो जाऊँगी। रेडी, ये मेरा थोड़ा बम पटा मुझे नज़र आ रहा है, ये वो हमें गुस्से से देखते हुए। तो हमने आमना वालों को जो है ड्रॉप किया खाला के पास, मुझे जाना था डॉक्टर के पास। ऑलरेडी मैं लेट थी तो आयशा वेट कर रही होगी। तो टाइम हुआ चलता है मेरे ब्रेसेस टाइट का। जो लोग कहते पेन होता है ये वो बिल्कुल पेन नहीं होता, बहुत इजी प्रोसेस है। लाइक इससे क्या होता है कि आपकी स्माइल परफेक्ट हो जाती है, और मुझे चाहिए था, मेरे दांतों में जो स्पेसिस थी इसीलिए मैंने डॉक्टर आयशा को चुना, एंड शी इज़ द बेस्ट इन हर वर्क। तो मैं तो टोटली रिकमेंडेड, इट्स नॉट प्रमोशन बाय द वे। ये है मेरी प्यारी डॉक्टर। अब आए खाला वालों के घर। सो जी अभी मैं खाला के घर आई हूँ और खा पी लिया है। एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी रात को, देर से मैं सोई थी, अराउंड 3 से 4 हो गए थे। फिर हम जल्दी जल्दी उठे, उसके बाद जल्दी से तैयार हुए, कराची आए। दिन मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो फिर गई। आप लोगों को तो पता है, वो मैंने रिकॉर्ड किया, दिखाऊंगी भी। आयशा इज़ वेरी स्वीट, मुझे थोड़ी लेट हो गई, फिर भी उन्होंने मेरा जल्दी से कर दिया। और ये जो ब्रेसेस का मेरा था, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए अभी तक स्पेस से आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी ये स्पेस कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आई टोटली रिकमेंडेड आयशा, क्योंकि दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो केस को इतना लेंदी कर देते हैं, लाइक सालों लग जाते हैं। ये मैंने कैरी में वन ऑफ माय फ्रेंड शर्ट के, उसे जो है 2 साल हो गए, उसे ब्रेसेस लगे हुए हैं, और उसे मतलब लाइक इतना फ़र्क फील हुआ है जितना मुझे 3 मंथ्स में हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता पहले ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। पर मुझे जो स्पेसिस का मसला था, तो मेरे स्पेसिस काफ़ी ठीक हो गए हैं यहाँ की साइड के। ये देखें, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर है मेरे पास वो क्लिप तो मैं लगा दूँगी। तो ये वाला भी मेरा फिल्ड हो गया है, और यहाँ से ये वाला जो है ये अभी ठीक होने लगा है। ठीक है, वो ठीक होगा, वो आगे जाके 1 मंथ या 2 मंथ बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी। सो बस अभी के अपडेट से अभी मैं खाला के घर बैठी हुई हूँ, मैं खाना वाले में आपको दिखा नहीं सकती। बाकी उसके अलावा अभी मैं जाऊंगी राबेल वालों के पास, वो आपको दिखा दूंगी। अभी मैं जाऊंगी राबेल वालों के पास, वो आप लोग को दिखा दूंगी। अभी मैं अकेले बेटी कोई मुझे लेने आए तो मैं जाऊँ, सबीना वाले वहीं पर हैं और मेरे सारा ध्यान वहाँ है। अकेली बैठ के मैं यहाँ पे ये टी वी देख रही हूँ, ये देख रही हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, ये बोल गया था। गाइस वेट कर करके 2 घंटे हो गए और उसे अब तक नहीं आया था, और अभी आया है और वो कह रहा था कि आप मुझे कॉल करती ना, मैं आ जाता आपको लेने। 2 घंटे के बाद इसे याद है, इवन मैं 3 घंटे हो गए ना, इवन 3 घंटे बाद
और अब मैं खा पी के अपना मस्त सो वो करके उठी हूँ। अब मैं जाऊँगी भी नहीं, अब आमना वाले को बस क्या जो भी हो रहे रात के 11 अभी तक वो लोग घूम फिर के घर भी आ गई होंगी। और ये मेरी कज़न है महक, हाय करे महक, हेलो। चलो अब चाय बनाते हैं, महक हमें अच्छी वी आई पी चाय पिलाएगी। बन रही है हमारी चाय, मैंने बनाई है। और ये बना रही है हमारी महक को। ओके, ये एक्चुअली ना अपना क्रेडिट चाहती है इसीलिए बार बार बोल रही है मैं बना रही। मैं हाँ महक को तुम ही बना रही हो, हम नहीं बना रहे, आप ही बना रही हो। तो गाइस यहाँ पे मैं कह रही थी आप अपनी फीलिंग बताए, आपको मज़ा आया, आप बोर हुई? मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई महक, मुझे आपके साथ बड़ा मज़ा आया, मैंने पूरी कंपनी इंजॉय की आपकी, खाया पिया और साथ आपके टाइम स्पेंड किया। ओके महक, आप ऐसा करें चाय पे पूरा फोकस दें इससे पहले कि आपकी चाय गिर जाए मेरे ब्लॉग के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, चूल्हा साफ करना पड़ेगा, कर लेंगे। गाइस देखा मेरी कजन कितनी टैलेंटेड है, इसकी उर्दू कितनी क्लियर है। रुको मैं फोकस करूँ आप पे महक, हाँ इसकी उर्दू कितनी क्लियर है, हमारी उर्दू सिंधी वाली है। ठीक है, मैं कराची में रहती हूँ, बचपन से उर्दू बोलती हूँ इसीलिए, और हम लोग हैदराबाद में रहते हैं और हमारी इसीलिए सिंधी परफेक्ट। मैं कह रही थी मेरी चाय की तारीफ करना, हाँ वाकई अच्छी लग रही, अच्छी बनाई है उसने। ये इंसान ये पूरी ब्रेड लेकर बैठा और ये पूरी खाएगा, इसको इतनी भूख लगी है। और इसकी चाय देखो कितनी थोड़ी सी है। और ये आमना का भाई ये ज़्यादा पीता है, पर मैंने आज इस पर कब्जा कर दिया, क्यों मैं कहो मैंने से थोड़ी। एंड थैंक यू, आपने चाय बड़ी अच्छी बनाई। और ये रूड इंसानों से थैंक यू भी नहीं बोलता। थैंक यू क्या? अभी अपना दुखड़ा शुरू करेगी? नहीं मैं इतना काफ़ी है बस। तो गाइज अभी आ चुके हैं अम्मी वाले और चाय पी ली मैंने, अभी जा रहे हैं। ये मैंने अपना अपनी साइज से भी बड़ा बैग उठाया है, थैंक यू मेको। चलो बाय बाय मेको। चलो गाइज अब हम जा रहे हैं, मेक हमें आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सारा टाइम मैंने मेक के साथ स्पेंड किया। बाय बाय मेको, बाय। हाँ बू, एक्चुअली इतने दिनों बाद हम जो है राबेल वालों से मिल रहे थे और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, जबकि मुझे लास्ट में सबा नहीं याद दिला कि आप ये अपने व्लॉग जो है नहीं रिकॉर्ड किया। यार अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप कज़न से ना बहुत टाइम बाद मिलते हो तो आप भूल जाते हो कि हमने जो है व्लॉग भी रिकॉर्ड करना था। तो अभी हो रहे थे रात के 3, हम लोग वापस आ गए घर और बस मिस यू ऑल गाइस। माँ के सब खैर, अब हम जा रहे हैं वापस और बस ऑलमोस्ट रेडी शेडी चलते हैं। ये मिनसो बेचारी का गुब्बारा इन लोगों ने फाड़ दिया। चलो अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। बीमारी वाला बाय बाय, अब ना हमारे साथ नहीं चल रही, उसकी मिनसा के साथ बड़ी दिल है, वो कल मिनसा के साथ आएगी। गाइस बस हम जा रहे हैं, हमारा यहाँ का सफर यहीं तक था एक दो दिन में। मेरे अभी मुझे वेट कर रहे हैं और हम जब तक लिफ्ट आए तब तक हम यहीं वेट कर रहे हैं। फोकस हो जाएगी मेरे अभी मीटिंग शेडिंग। बाय बाय अमनू, यहाँ पे भी जल्दी आना, देखो वणी अम्मा यहाँ गिनी जाए देखो वणी तो जी चलते हैं अब वापस घर। और बहरिया का सफ़र हमारा होता है यहीं पर ही ख़त्म, और मैं गाड़ी में सो गई थी, हैदराबाद आते ही मैं फिर उठी। अब जी ये अनपैकिंग करें आगे घर उसकी चीज़ें शीज़ें, एंड मैंने जो सामान अपना अनपैक कर दिया, अब चाय बना रही हूँ और ये व्लॉग भी जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ।